वहां जाके मिली थी एक छोटी सी बच्ची से, तो ये मानिए कि उसकी पीड़ा जब वो मैं उससे मिली और वो रोने लगी तो मुझे लगा कि इसकी संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इन सब चीजों का अनुभूति आपका निमिषा जी चलो अभी आपका लगता है, जब खोली आप जरूर खोलिए। ऐसे मुद्दे पर इशू है ये, आप महिला मैं आपके पास में संगीता जी रोकना चाहूंगा आपको। निमिषा जी मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज अपनी अपनी बात, आपको मैं मौका दूंगा जब आप बोलिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। संगीता जी, संगीता जी अभी मैं आप चले अभी, यही तकलीफ है। संगीता जी देखिए, रेप विक्टिम की पीड़ा को पता नहीं कि राजनीतिक दल अपने मुद्दों में समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एहसास एक इंसान के नाते सबको होता है और हालात ये बन गए हैं कि हम लोग केवल इन मुद्दों पे लड़ते रहते हैं। बहन बेटियां जानवरों से नहीं डरती, इंसानों से डरती हैं। आप लोगों को एहसास होना चाहिए। रिपोर्ट है, बाकायदा रिसर्च जो लोग करते हैं, मोनिका राव साहब जी बताएंगे आपको, ये पेपर्स लोग सबमिट करते हैं कि 70% मामले कहां के हैं, रेप केसेस के कहीं ना कहीं वो परिचित रिश्तेदार नजदीकी जिसको विक्टिम जानती है और वो खामोश रहती है, उसको उसकी कमजोरी समझते हैं। निमिषा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चलिए राजनीतिकरण मुद्दों का हक होता है, राजनीतिक दल करते भी हैं, लेकिन महिला सुरक्षा एक बड़ा अहम मुद्दा, अगर हम इस बात को लेकर कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया, उनके वक्त का मामला था। दिल्ली में हर 4 घंटे में एक रेप केस हो रहा है, महाराष्ट्र अव्वल है, और उसके बात करें तो राजस्थान तीसरे स्थान पे है। योगेंद्र जी, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की जो आज की स्थिति का विश्लेषण करें तो रातों रात ये स्थितियां नहीं बनी है। इनके कारणों में और इन कारणों के फलस्वरूप जो आज फल निकल रहे हैं कि आज समाज की दृष्टि महिला को देखने के प्रति कैसी हो गई है। आज हैवान बन करके बच्ची के साथ दुराचार हो जाता है या महिला जा रही है, तो समाज की दृष्टिकोण बदल गई है। उस समाज के दृष्टिकोण के साथ साथ सरकार के जो दायित्व है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करती है, अपराधियों को समय रहते पकड़ती है, समयावधि में लेकर के आती है और उनको न्यायालय के सामने पेश करती है। ये एक अलग बिंदु हुआ, क्या अपराधी जा रहे हैं, क्या अपराधी भाग रहे हैं। देखिए अब संगीता जी, मैंने आपसे आप तो बोलते रहने, बोल थोड़ी एक बड़ा दुखद महिलाओं का प्रतिनिधित्व होने के नाते एक बहुत ही दर्द है, गहरा दर्द है कि हमें समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपका नाम भूल रही हूँ, मोनिका जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें पेरेंटिंग और मॉनिटरिंग, ये एक ऐसे समाज की कुंठा बन चुका है जिसका निराकरण आपको, मुझे, सबको बिना राजनीतिकरण करके करना होगा। क्योंकि पोथे खोलने बैठेंगे ना हम तो आप ऐसी निरुत्तर हो जाएंगे कि आपको उठ के जाना पड़ेगा। 6-6 मंत्री आपके जब पिछले कार्यकाल में जेल की हवा खा रहे हैं, हमने तो पहले शुरू कर दिया, अभी मना कर रही थी। नहीं, जब आपने बोला ना, मैं दुखी हो रही हूँ उसकी बात बोली है मैंने, तो हमें इसके निराकरण, इसके निराधार आरोप की जगह हमें इसके आधार बिंदुओं पे जाना होगा। कैसे पेरेंटिंग बढ़े, कैसे मॉनिटरिंग बढ़े, एकल परिवार प्रतिनिधित्व, और कहां गए हम, कहां से प्रारंभ हुए थे। ऋग्वेद की ऋचाओं का निर्माण करने वाली महिला की ऐसी दुर्गति, देवी की तरह पूजे जाने वाली महिला की ऐसी दुर्गति, आखिर क्यों सरकार अपना काम पूरी तरह से कर रही है। आज प्रदेश की सरकार ने, संगीता जी मेरा सवाल है, लेकिन मेरा सवाल है, संगीता जी आप जो बोल रहे हो उससे मेरा एक सवाल, संगीता जी आपको कह रही हूँ, संगीता जी बोलने नहीं दूंगी, बिल्कुल मत बोलिए। हालातों में आपने किया है, आपके नालातों में छोड़ के गई इस प्रदेश को सरकार, हालातों में आज सरकार को। मैं एक बात जानना चाहूंगा संगीता जी आपके पास, निमिषा जी एक सवाल है मेरा छोटा सा, पूछिए। आप लोग मेरे ये समझ से बाहर है कि इस तरह के केसेज में भी अगर हम ये बात कहें कि आपने किस हालात में कर्ज हो किसी प्रदेश पे देश पे, तो समझ में बैठती है। मैं एक बार सवाल पूरा कर लूँ तो आप उत्तर देने में मजा आएगा आपको। और लेकिन ये केस लॉ एंड ऑर्डर में भी चले, हम मान के चलते हैं कि कच्ची शराब बेची जा रही थी, ध्यान नहीं दिया, लेकिन रेप केसेज में अगर ये कहे तो आप लोगों ने किस हालात में छोड़ा था और जिसको आज हम खामियाजा उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिये आपका इनका जवाब चाहे आपका जवाब हो, ये आप उन विक्टिम्स के साथ में आप लोग अन्याय कर रहे हैं किस तरह की बातें उठा करके, राजनीतिकरण करके। अब मैं आपको बोलूं, देखिए इसका जो मानसिकता,
हाँ ये कहिए कि पुरुष की मानसिकता बदले, पुरुष की दृष्टि कैसी कुदृष्टि बन गई, इस पे भी तो विश्लेषण करना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। शिक्षा कहाँ गई हमारी, शिक्षा को कहाँ ले गए हमारे, क्या नैतिक शिक्षा से जुड़ा है हम, शिक्षा का आधार क्या रहा, शिक्षा क्या दी जाती है। आज राष्ट्रीय योजना के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बच्ची का 1 जून 2016 से उसकी जिम्मेदारी ली, 50,000 तक उसको डोनेशन दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे वो ग्रामीण परिवार में जिस बच्ची ने जन्म लिया वो पढ़ सके। पंचायती राज में सरपंच में शैक्षणिक अनिवार्यता लाए, क्यों, सरपंच मुखिया होता है गांव का, एक पढ़ी लिखी मुखिया सरपंच होगी तो गांव की बच्चियों को पढ़ाया जाएगा। ये कैसे प्रकार शिक्षा से जोड़ी है, आपके पास बिना बच्चे जोड़िए, सुनिए आप, एनालिसिस कीजिए आप, आपको भी एनालिसिस की आवश्यकता है। आप लोग दोनों सुनिए, जैन साहब हम एक जैन साहब हमारे साथ में है, विधि वेता है और विश्लेषक है। जैन साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी, बहुत सारी केसेस सामने आते हैं और मुझे लगता है कि कोई ताल ठोक के कह भी नहीं सकता कि आज ये केस हुआ है और उसके बाद में नहीं होगा। वो तो तभी हो सकता है ऐसा जब हम मानसिक रूप से हमारा संतुलन नहीं खोएं, जब समाज में ये विकृति है तो राजनीतिक दलों को भी क्या दोष दिया जा सकता है। ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं कि हम सजा और सख्त कर दी, डेफिनेशन रेप की बदल दी गई है, उसे और ऐसा कर दिया गया है कि छोटी मोटी अगर कोई चीजें जिसे धाराओं में हम जोड़ते थे, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि वेलेबल ऑफेंस है, उसको भी हमने नॉन वेलेबल ऑफेंस बनाया, बावजूद उसके भी घटनाएं कम नहीं हो रही। देखिए दो बातों में एक थोड़ा सा फर्क हमें करना पड़ेगा, घटनाएं जी दर्ज ज्यादा हो रही हैं और एक घटनाएं कम ज्यादा हो रही हैं। आज से जरा 20 साल पहले की स्थिति पर ध्यान दें आप, मैं कानून की बात कर रहा हूं जी, रेप केसेस या इस तरह के केसेस कोई भी वाकया होता था तो पूरा प्रयास इस बात का रहता था परिवार का इसका कि इस नाम को बात को सामने ही नहीं आने दिया जाए, दबा दिया जाए। उस जमाने में कोर्ट के अंदर पहला रेप तो उसके ऊपर होता